हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका वीएस फैंटेसी प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन बैगो T10 ब्लास्ट के मैच की। ये सीरीज का 31वां मैच है कि जो कि NML वर्सेस SBS के बीच में होने वाला है। ये सीरीज का एलिमिनेटर मैच है, जो भी जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। 3 दिसंबर का ये मैच रात के 8:15 पर शुरू होगा। वेदर की बात की जाए तो बरसात का कोई चांस नहीं है। नो मैंस लैंड एक्सप्लोरर वर्सेस स्टोर बाय स्नोरकलर्स वेनुशो पार्क। स्कोर बोर्ड टोबैको ट्रिनिडेड एंड टोबैको। पिच रिपोर्ट बैलेंस विकेट है। एवरेज पर स्टेनिंग स्कोर 106 का है। दोनों ही टीमें बेहतरीन टीमें हैं, हालांकि NML की टीम जो है वो ज़्यादा मजबूत है। कमिल पूरन अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 30, 17, 33, 34, 59 लास्ट मैच में 16 रन बनाए हैं। जेडन कोहली लास्ट मैच में 42 रन बनाए और काफ़ी अच्छी फॉर्म में है ये भी। अगर इनके लास्ट के कुछ मैच देखें तो 24, 15, 13, 42। ट्वेंट वेबसिटर लास्ट मैच में 40 रन बनाए हैं, एक बेहतरीन प्लेयर हैं और 2 ओवर भी फेंके थे अपने खाते के जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन प्लेयर बेहतरीन है। आप इन्हें अपनी टीम का कप्तान लेके चल सकते हैं। शकील जॉनसन ड्रॉप कर दीजिए, ब्रेंडन रामदेन ड्रॉप कर दीजिए। कैन शक ये भी एक बेहतरीन प्लेयर हैं, हालांकि अभी तक इन्होंने कुछ ऐसा खास प्रदर्शन नहीं किया। अगर आप मेगा लीग खेल रहे हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ओवर जो है अपना डेथ में लेके आते हैं। डजन चार्ल्स ये एक बेहतरीन प्लेयर है, आपकी टीम में होनी चाहिए। बैटिंग के साथ बॉलिंग करते हैं, जितने भी अगर बैटिंग आ जाती है इनकी और उसमें अगर ये रन आपको कुछ बना के दे देते तो बहुत आपकी टीम के लिए अच्छा होगा। डजन चार्ल्स की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2 ओवर 1 विकेट लास्ट में, जो 2 विकेट निकाले 2 ओवर फेंकते हुए। एरॉन रफर्ट ड्रॉप कर दीजिए, गोविंद विक का बैटिंग के साथ बॉलिंग का ऑप्शन है, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, नंबर 3 या 4 पे ये भी कभी कभार बैटिंग करते हैं लेकिन हमेशा नहीं करते। ये एलिमिनेटर मैच है तो जाहिर सी बात है हर टीम अपने जो टॉप के प्लेयर हैं उन्हें ही ओपनिंग कराएगी और नंबर 4 पे टॉन वेबसिटर ही शायद आएँ, क्योंकि ये जो भी जीतेगा वो फाइनल खेलेगा इस लिहाज से। तो वेलन चार्ल्स की अगर बात की जाए ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, डेथ में बॉलिंग कराते हैं। अगर इनके लास्ट के कुछ मैच देखें 2 ओवर 1 विकेट लास्ट के 2 मैचों में ये बराबर 1-1 विकेट निकाले हैं। एंथोनी प्रोडेंस कोई खास पिक नहीं है, ड्रॉप कर दीजिए। स्टार्टिंग के ओवर केन इसैक, मैकगोविन का, टॉन वेबसिटर, ब्रायन चार्ल्स, डजन चार्ल्स, इसके अलावा डेथ ओवर में ब्रायन चार्ल्स, केन इसैक, गोविन मिकेल गोविन एंड टॉन वेबसिटर, डजन चार्ल्स। इन इस टीम से आप किसी प्लेयर को अगर लेना चाहें तो मस्ट पिक हैं, वो आपको प्लेयर तो लेने ही पड़ेंगे, जैसे कि कमिल पूरन है, जेडन कोहली है, टॉन वेबसिटर है, ये प्लेयर तो आपको लेने ही। इसके अलावा डजन चार्ल्स, गोविन मिकेल, ब्रायन चार्ल्स ये प्लेयर हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्लेयर अगर चाहिए, अगर मेगा लीग खेल रहे हैं तो आप गोविन मिकेल को ड्रॉप करके कोई हिसाब को भी ले सकते हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज कम है और डेथ में बॉलिंग ही डालते हैं। इसके अलावा जो बेंच प्लेयर में है रॉस मेलोनी जॉर्ज, तीनों ही कोई खास पिक नहीं है, ये बेंच के प्लेयर हैं, अगर खेलते हैं तब भी ड्रॉप कर दीजिए। सामने जो टीम है वो SBS की प्लेइंग 11 है, बेहतरीन प्लेयर है और डिलन डॉक्स इनके टीम के एक सबसे बेहतरीन प्लेयर कह सकते हैं आप, क्योंकि ये आपको ओपनिंग करते हुए रन बना रहे हैं और अपने खाते के पूरे 2 ओवर फेंक रहे हैं। टॉइन वेबसिटर तो इनके नंबर 4 या 5 पे बैटिंग कर ही रहे हैं, लेकिन डिलन डॉक्स जो हैं ये लगातार ओपनिंग ही कर रहे हैं काफ़ी मैचों से, तो इनको आप अपनी टीम का कप्तान या वाइस कप्तान लेके चल सकते हैं। बैटिंग के साथ आपको हर मैच में 2 ओवर की बॉलिंग दे रहे हैं, लास्ट मैच में 1 ही ओवर फेंक पाया था, 33 रन बनाए थे बैटिंग करते हुए। प्लेयर अच्छे हैं, आपकी टीम में होने चाहिए। डेनियल विलियम आप इनको अपनी टीम से विकेट कीपर सेक्शन में शायद ही हैं, आप इनको टीम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इनके प्रदर्शन की बात करें तो 19, 6, 3, 29, 18, 31, 30 लास्ट के कुछ मैचों में इन्होंने 4-5 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। जबरी मिल्स ये भी आपकी टीम में होने चाहिए, बैटिंग के साथ बॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। लास्ट मैच में इन्होंने 42 रन बनाए, 1 ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला। और इनके को प्रदर्शन की बात की तो 16 रन, 1 ओवर विकेट नहीं, सेकंड लास्ट मैच में 1 ओवर फेंका विकेट नहीं, लास्ट मैच में जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 42 रन, 1 ओवर विकेट नहीं, लेकिन कभी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। टॉप 3 के ये प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। बॉटन ड्रॉप कर दीजिए, अनिल खान ड्रॉप कर दीजिए, सफीको स्टफर्ड लास्ट मैच में इन्हें खिलाया गया, इससे पहले ये 3 मैच नहीं खेले, 2 ओवर फेंके 1 विकेट निकाला है, चाहे तो अपनी अपनी टीम में रख सकते हैं या इन्हें ड्रॉप करके कोई एक दूसरा प्लेयर ले सकते हैं जो कंफर्म हो कि आपको बैटिंग या
बॉलिंग करके देगा, इनका कंफर्म नहीं रहता है मैक्सिमम। राम से ड्रॉप कर दीजिए, कैलेंच ये एक बेहतरीन प्लेयर है, दो ओवर फेंके थे लास्ट मैच में, विकेट नहीं मिला। इससे पहले इन्होंने एक ओवर फेंका, विकेट एक निकाला था। एंथोनी प्रोडेंस ड्रॉप कर दीजिए, जॉन रस जगेसर ये एक बेहतरीन प्लेयर है, दो ओवर फेंके एक विकेट, दो ओवर फेंके एक विकेट, लास्ट के दो मैचों से ये विकेट निकाल रहे हैं। अकीम चंडलर ये एक बेहतरीन प्लेयर है, आपकी टीम में होने चाहिए। अगर इनके प्रदर्शन की बात करें तो दो ओवर विकेट नहीं, और लास्ट के मैच में इन्होंने दो विकेट निकाले दो ओवर फेंकते हुए, डेथ में भी बॉलिंग करा रहे हैं, तो आपकी टीम में ये होने चाहिए। स्टार्टिंग के प्लेयर जो ओवर फेंकने हैं वो जॉन रस जगेसर, दोनों ही ओवर जो अपने स्टार्टिंग में ही फेंक देते हैं, नंबर पहला और तीसरा ओवर जो है यही फेंक देते हैं। अगर टीम को लगता है कि ये पहला ओवर इनसे फेंकवा के बाद में इनसे पाँचवें छठे ओवर या सातवां ओवर फेंकवाया जाए तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इनसे पहला ओवर और तीसरा ओवर फेंकवाया जाता है। जॉन रस जगेश्वर, अकीम चंडलर, रसफिक्यू स्टफर्ड, डिलाडॉक्स कैलेंच, इसके अलावा डेथ में जबरी मिल्स, डिनाडॉक्स, शफीकुल स्टेफर्ड, अकीम चंडल, कैलिंच। बेंच प्लेयर में आपको डोनन मुर्रे, डेनियल कूपर और टैरेंट हिंट्स दिख जाएंगे। अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है और उसकी जगह डेरेंट हिंट्स खेलते हैं तो आप इनको अपनी टीम में ज़रूर लीजिएगा। डेरेंट हिंट्स इनकी टीम के भी एक बेहतरीन प्लेयर हैं, अगर ये खेलते हैं तो सामने वाली टीम से इनका जो प्रदर्शन है वो शायद और अच्छा हो निकल गया है, क्योंकि ये एक बेहतरीन प्लेयर बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप भी देते हैं। इनके प्रदर्शन की अगर बात करें तो आप देखेंगे तीन विकेट निकाले दो ओवर फेंकते हुए, लास्ट के कुछ मैचों की जो बात कर रहा हूँ मैं, तीन विकेट तीन रन बनाए, फिर उसके बाद 1.4 ओवर की गेंदबाजी की जिसे विकेट नहीं मिला। लेकिन जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था, इससे पहले तो इन्होंने फिलहाल नहीं खेला था, लेकिन जो एक मैच इन्होंने खेला लास्ट का जो मैच, उसमें इन्होंने 35 रन बनाए, दो ओवर फेंके, विकेट नहीं मिला। तो आप देख रहे हैं कि शुरू से अगर भी देखेंगे तब भी आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप दे रहे हैं, तो आपकी टीम में ये अगर खेलते हैं तो आप टैरेंट हंट्स को ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा आप हेड टू हेड की जगह अगर मेगा लीग खेलें तो ज़्यादा अच्छा है। हेड टू हेड रिस्की टीमें बन जाती, 10 ओवर के मैच में रिस्की होती है, क्योंकि कन्फर्म नहीं होता कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर उतरेगा। इनके बैटिंग ऑर्डर हमेशा चेंज होते रहते हैं, जबरी मिल्स कभी कभार ओपनिंग भी कर जाते हैं, कभी कभार आप देख सकते हैं कि लास्ट मैच में जो हुआ था उसमें नंबर तीन पे आए, उससे पहले ये काफ़ी नीचे आ रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में नंबर तीन पे आ गए। और बॉलिंग भी किसी किसी मैच में नहीं कराते, लेकिन मैक्सिमम करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस टीम से किसी प्लेयर को लेना चाहें तो डिलाडॉक्स, डेनियल विलियम, जबरी मिल्स, इसके अलावा आप जॉन रस जगेश्वर और अकीम चंद्र, ये दो बॉलर ऊपर के तीन ये प्लेयर ये आपकी टीम में होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी को ट्राई करना चाहें तो आप कैलेंच को ट्राई कर सकते हैं, ये एक बेहतरीन प्लेयर है। अगर हम अपनी टीम की बात करें अभी तक, तो अभी तक हमारी ये टीम है, कंफर्म 11 नहीं है, हो सकता है अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो हम उसकी जगह उस प्लेयर को लेंगे जिनमें सबसे पहला नाम आता है टैरेंट हिंट्स का। टैरेंट हिंट्स अगर खेलते हैं तो हम उन्हें लेंगे, और अगर नहीं खेलते हैं तो कोई बात ही नहीं। अगर आप अगर जैसे कि मान लीजिए कि चाहें तो आप इस टीम में अगर सभी प्लेयर खेल रहे हैं तो इस टीम में आप कप्तान या वाइस कप्तान को पलट भी सकते हैं। डॉक्स को आप कप्तान भी दे सकते हैं और वाइस कप्तान और बैपसेटर को भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये डॉक्स जो हैं जो ओपनिंग करते हैं और बैपसेटर नंबर तीन पे आ रहे हैं, किसी किसी मैच में बैपसेटर बॉलिंग नहीं भी करते हैं लेकिन डॉक्स हर मैच में बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप भी दे रहे हैं। और वेबसाइटर की टीम की जो प्लेयर हैं ओपनर प्लेयर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, हर हिटिंग करना जानते हैं कि जिसमें नाम आता है पूरन का, जिगोली, वेबसाइटर खुद एक हिटर हैं, डीजी चार्ल्स भी एक हिटर हैं, तो सामने वाली टीम काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी 10 ओवर के मैच में कब कौन जीतेगा कहा नहीं जा सकता, और ख़ासकर इनके बैटिंग ऑर्डर का। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम दोबारा जब कभी वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी मिले और आप वीडियो देख के अपनी टीम बना सकें, अपनी टीम को और अच्छा बना सकें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।